एक समय की बात है, विजय अपने खेत से घर की तरफ जा रहा था कि तभी अचानक उसके पैर में एक बड़े से पत्थर की ठोकर लगती है। हे राम, मर गया रे, ये रास्ते में इतना बड़ा पत्थर कहाँ से आ गया? विजय दर्द से कराहने लगा और तभी उसको पत्थर के नीचे कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। अरे, ये पत्थर के नीचे क्या चीज है जो इतनी चमक रही है? कहीं इसके नीचे सोने का घड़ा तो नहीं है? इस पत्थर को हटाकर देखता हूँ। विजय उस पत्थर को हटा देता है। ये तो एक मामूली सी कांच की बोतल है, मुझे लगा कि कोई सोने की चीज है, ये मेरे किसी काम की नहीं। अरे, ये इतनी भयंकर रोशनी कैसी? कुछ ही देर में उस रोशनी से एक जिन्न बाहर आता है जिसे देखकर विजय बहुत डर जाता है। जो को मेरे आका। कौन हो तुम और तुम मुझे आका क्यों कह रहे हो? मैं कई वर्षों से एक बाबा के श्राप के कारण इस बोतल में कैद था। तुमने इस बोतल को तोड़कर मुझे आजाद किया है। कहिए मेरे आका, मैं आपके किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो? हाँ मेरे आका, कहो, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं? अरे नहीं नहीं, चांद तारे तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो फिर मैं क्या करूँ आपके लिए मेरे आका? अरे मेरे साथ घर तो चलो, वही है तुम्हारा काम। ठीक है मेरे आका। विजय थोड़ा सनकी और मजाकिया स्वभाव का व्यक्ति था, वो जिन को अपने घर ले जाता है। जो गुम मेरे आका, मुझे इस जिन के थोड़े मजे लेने चाहिए। क्या सोच में पड़ गए आका? मुझे हुक्म दीजिए। तुमको चाय बनानी आती है? मैं अपने जादू से अभी मंगवा देता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुमको अपने हाथ से बनाकर लानी होगी। अरे यार, ये चाय कैसे बनती है? अगर आका से मना कर दिया तो ये मेरा मजाक उड़ाएंगे। क्या हुआ, क्या नहीं आती चाय बनाना? अरे नहीं नहीं, मुझे आता है चाय बनाना। तो वो रही रसोई, जाओ एक गर्मा गर्म चाय बनाकर लाओ। जिन चाय बनाने रसोई में चला जाता है। अरे, ये आका ने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। सबसे पहले जिन ने एक पतीला लिया और उसमें दूध और पत्ती डाल दी और शक्कर के बजाय उसने चाय में नमक डाल दिया। फिर उसने पतीले को चूल्हे पर रखा। अरे वाह, अब बस कुछ ही देर में चाय बन जाएगी। अरे जिन, क्या चाय बन गई? हाँ मेरे आका, बस ला ही रहा हूँ। जिन ने वो चाय विजय को पीने के लिए दी। विजय ने चाय की पहली चुस्की मारी। तो ये कैसी चाय बनाई है, इसमें तो नमक का स्वाद आ रहा है। लगता है आका, मैंने इसमें गलती से चीनी की जगह नमक डाल दिया। क्या, तुमसे तो काम ही करवाना बेकार है। मुझे माफ कर दीजिए मेरे आका। अच्छा ठीक है, अब रोना बंद करो। ऐसे ही विजय उस जिन्न को तंग किया करता था। कभी उससे चाय बनवाता तो कभी उससे अपने कपड़े धुलवाता। एक दिन विजय जिन्न से बोला, अरे जिन, जाओ तुम मेरे खेत पर से कुछ गन्ने तोड़कर लेकर आओ, और हाँ याद रखना गन्ने ही लेकर आना, ठीक है? जो हुकुम मेरे आका। अरे वाह, इतने सारे गन्ने, चलो अब इनको फटाफट तोड़कर आका के पास ले जाता हूँ। गन्ने के बगल में ही बांस की लकड़ियाँ भी थीं, जो बिल्कुल गन्ने के जैसी ही लग रही थीं। उनको देखकर जिन कहता है, चलो अब इतने सारे गन्नों में से कुछ गन्ने तोड़ लेता हूँ। जिन ने गन्नों के बजाय बांस की लकड़ियाँ तोड़ ली, उनको लेकर विजय के पास जाने लगा। ये लीजिए मेरे आका, आपके गन्ने। अरे मूर्ख, ये गन्ने नहीं बांस की लकड़ियां हैं। मैंने तुझे गन्ने लाने को बोला था और तू ये लकड़ियां उठा लाया। क्या, ये गन्ने नहीं है? मुझे माफ कर दीजिए मेरे आका। हे भगवान, ये मूर्ख जिन मेरे गले कहाँ से पड़ गया, इससे काम तो ठीक से नहीं होता। ये सारी बातें एक गांव का आदमी चमन खिड़की में से सुन लेता है। अरे बाप रे विजय भैया, किस मायावी राक्षस से बात कर रहे हैं? मुझे ये सारी बात गाँव वालों को बतानी होगी, नहीं तो गाँव पर संकट आ सकता है। चमन ये सारी बातें चौपाल पर बैठे मुखिया और कुछ गांव वालों को बता देता है। अरे मुखिया जी, मुखिया जी। अरे क्या हुआ चमन, तू इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है? क्या बात है मुखिया जी,
जब मैं विजय भैया के घर के पास से गुजर रहा था तभी मैंने देखा कि विजय भैया एक मायावी राक्षस से बात कर रहे हैं। तभी मुखिया के पास बैठे कुछ लोगों में से एक आदमी बोला, अरे चमन, तुझे हम ही मिले थे मजाक करने के लिए। अरे भैया मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने स्वयं अपनी आँखों से देखा ये सब। अरे चमन, भूत राक्षस जैसी कोई चीज नहीं होती, शायद तेरा भ्रम है। मुखिया जी मैं सच कह रहा हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो स्वयं जाकर देख लीजिए। ठीक है भाई, अगर तू इतना कह ही रहा है तो हमको जाकर जरूर देखना चाहिए, लेकिन याद रखना मुझे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे विजय, दरवाजा खोल। अरे ये अब कौन सा आ गया? जिन, तू जल्दी कहीं पर छुप जा, नहीं तो अभी आफत हो जाएगी। जो हुकुम मेरे आका। अरे विजय कहाँ मर गए, दरवाजा खोलो भाई। अब अरे मुखिया जी, आप यहाँ क्या बात है? भाई विजय, हमें पता लगा कि तुम्हारे घर कोई राक्षस रहता है। ये आप क्या बात कर रहे हैं मुखिया जी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ओह इतने भोले मत बनो विजय भैया, मैंने अपनी आंखों से देखा है आपको एक राक्षस से बात करते हुए। चमन तेरा दिमाग तो ठीक है, भला मैं एक राक्षस से क्यों बात करूंगा? अरे मुखिया जी ये झूठ बोल रहे हैं। देख भाई विजय, अगर वो कहीं राक्षस छिपा है तो हमको बता दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे मुखिया जी मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ कोई राक्षस नहीं है। मुखिया जी ये ऐसे नहीं मानेंगे, हमें घर की तलाशी लेनी होगी। ठीक है, आप घर की तलाशी ले सकते हैं। कुछ गांव वाले विजय के घर की तलाशी लेने लगते हैं। अब पकड़ में आएगा ना बच्चों। पूरे घर की तलाशी हो जाने के बाद गांव वाले मुखिया से कहते हैं, अरे मुखिया जी यहाँ तो कोई भी नहीं है, शायद ये चमन हमको बेवकूफ बना रहा है। अरे नहीं नहीं मुखिया जी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने विजय भैया को राक्षस से बात करते देखा है। देख चमन, अगर आइंदा ऐसा मजाक किया ना तो अब की बार मैं तुझे सूली पर लटका दूंगा। चलो गांव वालों। मुखिया गांव वालों को लेकर विजय के घर से चला जाता है और चमन भी चुपचाप धीरे से अपने घर की ओर निकल लेता है। आज तो बाल बाल बच गए। देखो जिन, तुम्हारा इस पृथ्वी पर रहना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। अगर इन गांव वालों को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो ये तुम्हारा गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे आका आप सही कह रहे हैं, मुझे भी अपने परिवार के पास वापस जाना है। हाँ लेकिन तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर जिन लोक में है, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा सकता। लेकिन क्यों? मैं वहाँ पर बहुत ही शैतानियाँ करता था और जिन लोक के महाराजा ने मुझे श्राप दिया, श्राप के कारण मैं जिन लोक में कदम नहीं रख सकता। लेकिन कोई तो उपाय होगा इस श्राप को तोड़ने का। जिन लोक से थोड़ी दूर एक बूढ़े जिन बाबा रहते हैं, इस श्राप को तोड़ने का उपाय उन्हीं के पास है। तो हम उन जिन बाबा के पास चलते हैं। जिन बाबा केवल अमावस्या की रात को ही उनके स्थान पर मिलते हैं। अमावस्या तो कल है, हम कल ही जिन बाबा के पास चलेंगे। अगले दिन की रात को जिन्न विजय को लेकर जिन्न बाबा के पास जाता है। बाबा जी आंखें खोलिए। कौन हो तुम बेटा और यहाँ क्यों आए हो? फिर विजय ने जिन्न की सारी बात बाबा जी को बताई। भी कुछ उपाय बताइए ना बाबा जी। एक उपाय है लेकिन उपाय बहुत कठिन है। आप उपाय बताइए बाबा जी, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तो ठीक है सुनो। फिर जिन्न बाबा ने विजय के कानों में वो उपाय बता दिया। और हाँ याद रहे, तुम्हें ये कार्य अकेले ही करना होगा, तुम इस जिन्न की मदद नहीं ले सकते क्योंकि ये श्रापित है। ठीक है बाबा जी। जिन्न बाबा के बताए अनुसार सबसे पहले विजय एक घने जंगल में जाता है। सबसे पहले मुझे नारियल के पेड़ों को ढूंढना होगा,
विजय धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ने लगता है और कुछ दूर चलने के बाद उसे वो नारियल के पेड़ दिख जाते हैं। जिन बाबा ने कहा था एक नारियल के पेड़ पर जिन की तस्वीर होगी, मुझे उस पेड़ में से एक नारियल तोड़ना होगा। फिर विजय उस नारियल के पेड़ को देखता है जिस पर जिन की तस्वीर थी। अरे ये पेड़ तो बहुत ऊंचा है, इस पर से मैं नारियल कैसे तोड़ूं? अगर मैं इस पर से गिर गया तो मेरी तो हड्डी पसली एक हो जाएगी। थोड़ी देर सोचने के बाद विजय को जमीन पर एक पत्थर दिखाई दिया। फिर उसने उस पत्थर को जोर से फेंक कर मारा। अरे मैया लग गई रे। विजय उस नारियल को लेकर जिन्न बाबा के पास जाता है। ये लीजिए बाबा जी, मैं आपके बताए अनुसार इस नारियल को ले आया। ये देख कर जिन्न भी खुश हो गया और फिर विजय ने वो नारियल जिन्न बाबा को दे दिया। बाबा जी ने उस नारियल को हाथ में रख कर उस पर कुछ मंत्र पढ़े और फिर वो नारियल विजय को दे दिया। अब इस नारियल का क्या करना है बाबा जी? बेटा अब तुझे इस नारियल को लेकर भयानक गुफा में जाना है। वहाँ पर तुझे एक चुड़ैल दिखाई देगी, तुझको उससे इस नारियल के बदले जिन लोक की चाबी मांगनी होगी। बाबा के बताए अनुसार विजय उस भयानक गुफा में चला जाता है। अरे ये गुफा तो बहुत ही भयानक और डरावनी है। विजय के इतना कहते ही उस गुफा में से कुछ डरावनी आवाजें आने लगीं, जिससे विजय और डर गया। कौन हो तुम और सामने क्यों नहीं आते? फिर तभी गुफा से एक चुड़ैल की आवाज आती है। तुम यहाँ क्यों आए हो? पहले तुम सामने तो आओ चुड़ैल जी। तभी चुड़ैल विजय के सामने आ जाती है। मैं पूछती हूँ क्यों आए हो तुम यहाँ? मुझको जिन बाबा ने भेजा है आपके पास चुड़ैल जी। जिन बाबा ने? किस लिए? हमें आपसे जिन लोक की चाबी चाहिए। क्या, जिन लोक की चाबी? लेकिन क्यों? मुझे मेरे दोस्त जिन को वापस उसके जिन लोक भेजना है। चाबी मैं तुम्हें दे दूं, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? जिन बाबा ने आपके लिए ये नारियल भेजा है और बोला है कि मैं ये आपको दे दूं। अरे वाह, मुझे जादुई नारियल का पानी बहुत पसंद है। चुड़ैल जी आप ये नारियल ले लीजिए और मुझे जिन लोक की चाबी दे दीजिए। अच्छा ठीक है, ये लो चाबी। चुड़ैल से वो चाबी लेकर विजय वापस जिन्न बाबा के पास जाने लगा कि तभी उसको रास्ते में एक नदी दिखाई दी। मुझे तो बहुत तेज प्यास लगने लगी, मैं इस नदी का पानी पी लेता हूँ। जैसे ही विजय नदी का पानी पीता है उसके हाथ से वो चाबी नदी में गिर जाती है। हे भगवान, मुझसे क्या हो गया? मेरे हाथ तो चाबी नदी में गिर गई, अब मैं जिन बाबा को क्या मुंह दिखाऊंगा? और विजय नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। अब मैं क्या करूं, हे भगवान। विजय को रोता देख नदी में से एक परी आती हुई बोली। क्या हुआ तुम्हें, तुम क्यों रो रहे हो? हे परी आप कौन है? मैं इस नदी में ही रहती हूँ, तुमको रोता देख कर बाहर आ गई। मेरी चाबी इस नदी में गिर गई है। ओह अच्छा, तो ये बात है, मैं अभी तुम्हारी चाबी ला कर देती हूँ। परी जल के अंदर जाती है और वो चाबी लेकर विजय को दे देती है। ये लो तुम्हारी चाबी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। विजय वो चाबी लेकर तुरंत ही जिन्न बाबा के पास चला जाता है कि तभी जिन्न कहता है। अरे मेरे आका आ गए, ये लीजिए जिन्न बाबा आपकी चाबी। बेटा अब तुम दोनों जिन्न लोक जाओ और इस चाबी से जिन्न लोक का दरवाजा खुल जाएगा और ये जिन्न भी श्राप से मुक्त हो जाएगा। ठीक है बाबा जी। विजय और जिन्न दोनों जिन्न लोक के दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं और वो चाबी को उस दरवाजे में लगा देते हैं। चाबी के लगाते ही जिन्न लोक का दरवाजा खुल जाता है। मेरे आका अब मेरे जाने का वक्त हो चुका है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया। जाओ, तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और हाँ, मैंने तुम्हें इतना डांटा, इसके लिए हो सके तो मुझे माफ कर देना। विजय की आंखों से आंसू आ गए। क्या मुझे रोकर विदा करेंगे मेरे आका? फिर जिन्न ने विजय को एक जादुई बक्सा दिया जिसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात थे। ये लीजिए मेरे आका, मेरी तरफ से छोटा सा उपहार, और जब भी आप मुसीबत में हो मुझे एक बार आवाज दीजिए, मैं तुरंत आपके पास हाजिर हो जाऊंगा।
ये कहकर जिन्न अपने लोक चला गया।